स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ देर शाम नगर के नरौली चौराहे पर नगरपालिका की तरफ से आयोजित एलईडी लाइट का उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से एलईडी लाइट का उद्घाटन किया, जिसके बाद डिवाइडरों के बीच लगी लाइटों में से नरौली से लेकर हरबंसपुर रोशनी से नहा उठा। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद विरोध कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन इससे सिर्फ दो लोगों को परेशानी है, एक पाकिस्तान और दूसरे अखिलेश यादव को। निरहुआ ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह सब नहीं चलने वाला है। मैं ये कहता हूं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, नहीं जो करना था वो गठबंधन वालों ने कर दिया, वो गठबंधन टूट गया, मैं ऐसे ही जीत गया। गठबंधन जिस दिन टूटा मैं उसी दिन जीत गया, तो उसके लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक जनता की बात है, वही मैं बता रहा था कि मैं ये अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं आगे कभी चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ वो अलग विषय है, लेकिन जनता ने अगर मुझ पर भरोसा दिखाया तो मैं जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में शामिल होके और उनके लिए कार्य करता रहूंगा। मैं अपने बड़े भाई के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज 370 धारा हटने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है, पूरा देश जश्न मना रहा है। दुख है तो सिर्फ पाकिस्तान को और अखिलेश भैया को, ये दो आदमी को तकलीफ है। पाकिस्तान भी तकलीफ में है कि ये 370 धारा हट गया, और दूसरे दुखी इंसान है हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी, उनको भी तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, कहीं जो है अपना ईमान धर्म भी दिखाइए कि इस देश के नागरिक हैं आप, एक सच्चे हिंदुस्तानी बनिए, और जो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका बड़ाई भी करना सीख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विपक्ष में हैं या आप अपने को विपक्ष में मानते हैं तो हर बात की आप जो है निंदा करेंगे, हर बात की बुराई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचती है। जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस देश में ना वंशवाद चलेगा और ना ही परिवारवाद चलेगा और ना ही जातिवाद चलेगा। और जो जो पार्टियां ऐसा सोचती हैं कि वो वंशवाद अभी भी चलाएंगी, परिवारवाद चलाएंगी, उनके लिए कुछ बचा नहीं है इस देश में, इस तरह के उलझलोल बातें ही वो कर पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले